पटना गर्दनी बाग दलित बस्ती की सुमन देवी अपने परिवार के साथ झोपड़ी डाल कर रहती हैं। उनके पति झाड़ू पोछा का काम करते हैं और महीने का मात्र 3,000 रुपये कमा पाते हैं। पति की मेहनत और संघर्ष के बावजूद सुमन देवी का परिवार नहीं चल पाता। राशन कार्ड ना होने के कारण इनकी ज़िंदगी और भी मुश्किल बनती जा रही है। ज़रा सोचिए कि इस महंगाई के दौर में क्या महज 3,000 रुपये में किसी का परिवार चल पाता होगा। बहुत दिक्कत हो रहा है ना, हम बच्चा के लिए हमको ना एडमिशन हो सकता है, ना राशन मिल सकता है, ना हम लोग लोन उठा सकते हैं। हम लोग को कार्ड बहुत ज़रूरी है। 100 रुपया में तक कमाते हैं तो उसी में घर चलाते हैं, चावल लाते हैं, तेल लाते हैं, नमक लाते हैं, उसी में 100 रुपया में घर चलाते हैं। मेरा परिवार में माँ है, भाई है, बहन है, पापा है, मम्मी है, और मेरा हस्बैंड है, मेरा बाबू है, हम हैं। कमाने वाले से एक ही है? हाँ, कमाने वाला एक ही है, हम हस्बैंड वाइफ हैं। तो मेरा पति कमाता है तो घर चलता है, हम लोग खाते हैं। कभी कभी भूख भी मर जाते हैं, कमाई कभी नहीं होता तो दो दो दिन खाना नहीं बन पाता है, राशन नहीं रहता है, पैसे नहीं कमाई होता है। महंगाई के ज़माना में तो क्या खाएंगे। मेरा हस्बैंड ज़्यादा नहीं 3,000 रुपया कमाता है, उसी में सब घर दूर चलाना पड़ता है, क्या करें। पैसा बचता है ये नहीं, फिर भी उसी में से अपना काट छाट के चलाते हैं, उसी में से सब करना पड़ता है। हम वोट वार्ड पार्षद लोग गए थे तब बोला कि जब इलेक्शन बाद होगा तो बनाएंगे, आ जाना, फॉर्म भर के दे देंगे तो बनवा देंगे, तो बन जाएगा। तो कहाँ कुछ हुआ, हम कितना बार गए तो नहीं कोई सुनवाई हुआ, ना कोई बनवाया। बहुत जगह फॉर्म भी भर के दिए, कोई सुनवाई नहीं हुआ, ना बन के आया। पैसा भी दिए फिर भी नहीं बना। पैसा भी लिया है फिर भी नहीं बना। कोई नहीं मदद करता है मेरा। इस बस्ती में सुमन देवी की तरह ही कई परिवार हैं जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, जिस कारण उनकी जिंदगी बहुत दयनीय होती जा रही है। 12 नंबर वार्ड से हमें राशन मिलता है हम लोग के। हाँ, तो 12 नंबर वार्ड से मिलता है, तो हमने के 5 गो के नाम से फार्म भरा है ना, तो 5 गो के नाम से फार्म भरा है, तो वहाँ से होके 5 आदमी के आया फार्म पर। अब यहाँ जाके राशन कार्ड बनवावे लगे तो कहा कि जो 5 गो के फोटो लाइए, 5 गो के फोटो दिए तो राशन बना के कार्ड दिया, तो कार्ड दिया तो ओकरा पर सिर्फ 1 गो के नाम दिया, बाकी 4 गो के नाम नहीं चढ़ाया अभी तक ले, नहीं साल 1.5 साल हो गए। राशन एक आदमी के मिलता है, एक ही आदमी का। राशन कार्ड है आपके पास? नहीं नहीं है। कभी अप्लाई किए थे राशन कार्ड के? अप्लाई तो कितना बार किए लेकिन कभी बन करके आया नहीं। वहाँ पे अप्लाई किए? वही गए थे जो वार्ड काउंसलर होता है उनके पास, नहीं तो साइबर कैफे में बोला कोई, तो वहाँ भी किए लेकिन नहीं आया। कितने दिन पहले अप्लाई किए हुए? तो समझिए कि 6 साल से तो अप्लाई ये कर रहे हैं, लेकिन पहले था, जब कैंसिल हो गया उसके बाद फिर दोबारा नहीं बना। और जिनके पास सब कुछ था, गाड़ी घोड़ा सब कुछ है, नौकरी उनका बना हुआ है, हम लोगों का कुछ नहीं, फिर भी नहीं बना हुआ है। कहाँ करेंगे, वार्ड काउंसिलर के पास करते हैं, जहाँ हम लोग रहते हैं, जहाँ हम लोग को इलेक्शन के में सब आता है मांगने, हाथ जोड़ जोड़ के उसी के पास ना जाएंगे? सीधा मोदी के पास तो नहीं जाएंगे, लालू के पास तो नहीं जाएंगे, और लोग के पास जाने से भी तो कोई फायदा नहीं है। एगो रहता है कि जाने पर फायदा है कि एक के चलते 10 गो आर को भला करो, गरीब लोग को कहाँ कोई करता है। कुछ होगा तभी ना करेंगे, एक उठेगा तब ना, हमारे उठने से नहीं ना होगा। सब कमा रहे खा रहे उसी में सब खुश हैं अपने आप में। राशन नहीं मिल रहा तो बाजार से अभी समझ लीजिए कि 50 रुपये चावल खाना पड़ रहा है, अब वो मिलता था तो कम से कम उससे राहत होता था कि आदमी 400 रुपया कमा रहा है तो 50 रुपये किलो चावल खरीदेगा तो सुबह में शाम में 400 कमा के आया, अब वो खत्म हो गया एक दिन में। वोट लेवे घड़ी तो गरीब आदमी के पास में आ जाता है, बड़का के बेटी के वो जाता है वोट देवे, क्योंकि जाता है कोई वोट देने? गरीब के माँ बेटी सब जाएगा वोट देवे, घड़ी कहेगा कि चलो दीदी चलो भैया वोट दे दो मेरा जिता दो, आ जितेला के बाद में कि हम आपको पहचानबे नहीं करते। तो ऐसी महंगाई में घर चल जाता है, क्या करें, किसी तरह से चलाना ही पड़ता है। अब किसी दिन दाल चावल तो किसी दिन ऐसे ही चावल और नमक खा करके गुजारा करना पड़ रहा है। तो क्या मांग करेंगे आप सरकार से?
सरकार से मांग कर रहे हैं, कहाँ मिल रहा है? सरकार कुछ देने को तैयार हो तो अपने लिए बचाने को जितना बच जाए, लूटना है। सिर्फ जनता तो माध्यम होता है कि जनता के, जनता को ये चीज़ दे रही है, जनता को दिए कहाँ, वो तो अपना घर भर लिए। आपने देखा, राशन कार्ड ना होने के कारण इस बस्ती के कई परिवारों का जीवन बमुश्किल से गुजर रहा है। गरीबों को राशन देने का सरकार का सपना भी अब पूरा नहीं हो पा रहा है। यहाँ के कई लोगों ने शिकायत की कि डीलर उनके राशन में कटौती भी करते हैं। इन समस्याओं को लेकर यहाँ के लोगों ने कई बार वार्ड पार्षद के पास भी शिकायत की, मगर आज तक उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो पाया। जब हमने इन समस्याओं को लेकर पटना जिला प्रखंड पदाधिकारी को कॉल किया तो उनसे हमारी बात नहीं हो पाई, लेकिन हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि इस समस्या में बदलाव लाने की ओर अग्रसर रहें। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही ऐसी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल डेमोक्रेटिक चरखा को ज़रूर फॉलो करें। धन्यवाद।